सड़क इधर आके खत्म हो जाती है। यहाँ पे स्टीमर आना था। अबे ये ले लो। Hey guys, welcome to the Great Indian Road Trip. आज है एपिसोड 47 और आइए साथ में घूमते हैं गंगा सागर। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। कल जब हम कपड़े धो रहे थे उसके बाद बाहर बारिश जैसा मौसम हो गया, तो हमको अंदर रस्सियाँ बांध बांध करके सारे कपड़े हमारे रूम में ही सुखाने पड़े। हम लोग बैठ गए कार में और हम जा रहे हैं गंगा सागर। मेरा बहुत टाइम से मन था बारिश में ड्राइव करने का और आज वो दिन आ गया है, बस ट्रैफिक में ना फंस जाए। बेहाला में तो बेहाल हो गए यार, ट्रैफिक में फंसे फंसे। अताई तो बोले मुशमुती चाल भातीर शॉटिंग चाल। दोस्तों इस रोड ट्रिप में पिछले व्लॉग में आपने देखा हम कोलकाता घूम रहे थे, कोलकाता में थे, और आज हमें जाना है गंगा सागर जो कि कोलकाता से कुछ 4 घंटे की ड्राइव हमको दिखा रहा है। हम लोग कार ले तो आए हैं लेकिन कार ऑल द वे गंगा सागर तक डायरेक्टली नहीं जा सकती क्योंकि रोड नहीं है, तो हमें समंदर क्रॉस करना है जिसके लिए हमें इस कार को भी फेरी में चढ़ाना होगा। गाइस सड़क इधर आके खत्म हो जाती है, चलें समंदर में चला दें। यहाँ पे स्टीमर आना था, स्टीमर में बैठ के हमें ये समुद्र क्रॉस करके उधर जाना था, स्टीमर ही नहीं है, स्टीमर आया नहीं और यहाँ पे जो ऑफिस है वो बंद है, तो अब सन प्रोटेक्शन ऑन, कार पार्क कर दी है और अब हम जा रहे हैं फेरी में बैठ के। जल्दी चलो भाई, जगह लूटनी पड़ेगी। देखो लोग भाग रहे हैं लास्ट वाले। भाई हमें जाने की फेरी तो मिल गई लेकिन उधर से आते आते अगर लास्ट फेरी का टाइम हो गया तो वहीं ना अटक जाए। कितने सारे बगुले उड़ते हुए आ रहे। अब देखना ये कि क्या बगुला आगे हाथ से खाएगा, मैं तो नहीं खिला सकती, मुझे डर लगता है। अबे आ जाओ यार, एक नीचे फेंको फिर देखो। अबे ये ले लो मेरे हाथ में। शाम को रिटर्न में हमें यही लाइन लगानी है और ये है गंगा सागर का एंट्री गेट। 100-100 रुपये में लोग जाते होंगे, हमको बता रहे हैं 1800 में चलेंगे और कैमरा देख करके सब महंगी रेट लगाते हैं। दोस्तों 2000 रुपये से सीधे 60 रुपये सवारी में आ गए हम, 1 घंटा बैठना है ऐसे। ऐसे सो जाऊं? नहीं, ऐसे हिल के। हाँ ये सही है, तो पता नहीं चलेगा कब खत्म हो गया सफर। एक घंटे तक ऐसे ही जाता है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं गंगा सागर और हम लोग जा रहे हैं, सबसे पहले बहुत जोरों की भूख लगी है, वी गोइंग टू गेट सम लंच। आप 2 थाली लगवा दो प्लीज हमारी। गर्मा गर्म फुलके बन गए भाई, गरम गरम फुलका, ताजा खाना पूरा बिल्कुल भाई। ये देखो एकदम करारी रोटियां आ गई है, ये हमारी अनलिमिटेड थाली सिर्फ 100 रुपये पर थाली। आज गिनती नहीं करेंगे कितनी रोटियां भाई। यार अनलिमिटेड थाली थी ना, तो 3 थाली के बराबर तो मैंने खा लिया,
और अब हमें वॉक करना है 1 किलोमीटर उस तरफ गंगा सागर दर्शन के लिए। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ऐसा क्यों? मेरे को क्या पता यार, सभी कह रहे थे रास्ते में, तुमने नहीं सुना? नहीं। हम लोग आ गए हैं कपिल मुनि मंदिर जो हमारे पीछे है, अब हम दर्शन करेंगे। इस परिसर में जगह जगह बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बना रखी हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हो भगवान शिव जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। देखो यहाँ पे लोग मन्नतें मांग रहे हैं। हम लोग आ गए हैं बीच पे, आप इसको बीच तो नहीं बोल सकते। एंड ऑफ द लैंड। एंड ऑफ द लैंड। वेलकम टू गंगा सागर। गंगा सागर यानी वो जगह जहाँ गंगा मैया सागर में मिलती है। हर साल लाखों हिंदू मकर संक्रांति पर यहाँ गंगा में डुबकी लगाने आते हैं। पुराणों में यहाँ के कपिल मुनि मंदिर का इतना महत्व है कि कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। कब अपलोड होगी भैया ये वीडियो आपकी? है? कब अपलोड होगी आपकी वीडियो? ये तो मुझे भी नहीं पता, कोशिश करूंगा, 2 दिन में कर दूं। गाइस अब होने वाला है अंधेरा और हमें वापस जाना है, तो लास्ट जो वो शिप चल रहा था उसका टाइम ना हो जाए, नहीं तो हम यहीं फंसे रह जाएंगे इस आइलैंड पे। यहाँ पे मार्केट लगता होगा, अभी तो सारा बंद है और ये यहाँ पे रुकने की कुछ हट्स वगैरह बन गई है, कॉटेजेस। दो टिकट। लास्ट कितनी बजे रहती है? 8 बजे। गाइज लास्ट फेरी तो रहती है 8 बजे, तो एक आध फेरी तो मिलेगी। अब हमें करना है आधा घंटा इंतज़ार। दोस्तों हमें बांग्ला पढ़नी नहीं आती, तो इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये लिखा हुआ है ये वन शिवम, अब ये नहीं पता चल रहा मेरे को। ये इलेक्ट्रिक स्कूटी ला का पता नहीं क्या लिखा है। आज तो बहुत मज़ा आ गया पर थोड़ी थोड़ी थकान भी हो गई, और हमने जो दिन में खूब सारी वो चूल्हे की रोटियां खा ली थी ना, तो वो पच भी उतनी जल्दी गई क्योंकि तला भुना उतना उसमें था नहीं, उसी से पार पड़ी अपने। तो यार बहुत सारी ना भूख लग आई। रोल पे रोल फ्री और इतने सारे तीखे चस्के अलग आ गए। अब लग रहा है रोड ट्रिप पूरी हुई है, तो बढ़िया खाना खा रहे हैं पैकेट में से खोल खोल के, और कल चलने वाले हैं अपन एक बहुत ही स्पेशल जगह पे। कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सामान बहुत ज़्यादा हो गया है, तो देखो थोड़ा सा सामान हमें एक्चुअली वापस घर भेजना है, और घर भेजना है कैसे भेजेंगे, बैग नहीं है तो मैं कार्टन लेने आया था। मेरे ट्रैकिंग शूज, कुछ वूलन्स, साड़ियाँ, हमारा हीटर, हमारा सबसे बड़ा सूटकेस, और इतना सारा सामान अब कार से निकल जाएगा। और एक ये मैंने कंघा लिया था, सोचा था हेयर स्टाइल किया करूँगा, कभी यूज़ नहीं किया इसको, तो इसको भी फेंक देंगे। #travellight ट्रैवल लाइट। गाइस कार हो गई है पूरी पैक, लेकिन अभी तक इसकी धुलाई नहीं हुई है, तो धुलाई चल रही है, कार धुलेगी तब तक हम आ गए। भैया नाश्ता करते हैं कुछ। मेरा नाम जोइता शो। फेस्टिवल्स वगैरह मतलब यहाँ पे महीने में 4-5-10 ऐसे चलता ही रहता है, हम लोग के सेलिब्रेशन का कोई रीजन नहीं होता, हर वक्त चलता ही रहता है। सिटी ऑफ जॉय, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हुए पहुंच गए। आज हम जिस जगह जा रहे हैं वो बहुत ही स्पेशल जगह है मेरे लिए। एक्चुअली हम लोग मेरे कॉलेज आईटी खड़गपुर जाने वाले हैं। जब खड़गपुर में रहते थे तो यहाँ आना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता था, या शेरे पंजाब जाकर के पार्टी करके आए, एक हफ्ते तक फिर मतलब वो बातें चलती थी। ये वाला गाइस अपना खाना आ गया है, वेज थाली, ये पता नहीं कोई तो मिक्स वेज है, और आज हम टेबल शेयर कर रहे हैं।
यहाँ मैं लास्ट आया था 12 साल पहले। पता है जब मैं पहली बार खड़गपुर आया था तब भी बारिश का मौसम था, और आज भी मौसम एग्जैक्टली वैसा ही हो गया है, बारिश बारिश जैसा मौसम हो रहा है। रेस्टोरेंट में बैठे बैठे अभी मैंने ना अपनी फेसबुक की पुरानी फोटोज़ देख ली, यहाँ मुझे वो सब कुछ याद आ रहा है, सारे दोस्तों के साथ क्या मस्ती किया करते थे, हॉस्टल के रूम, कॉलेज के क्लास रूम्स। लेकिन वहाँ पर एक्चुअली कोई मिलने नहीं वाला है अभी। कुछ मेरी यादें ऐसी है जो तेरे साथ लिखी है, दिल में कुछ बातें ऐसी है कहनी जो तुझसे बाकी है। बहुत सालों बाद देखने वाला हूँ मैं पहली बार हमारे कॉलेज की बिल्डिंग, ये रही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, इसका लगाओ एक चक्कर। वाह, ये है हमारा इंस्टी डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ द नेशन। तेरी यादों की राहों पर मैंने दुनिया मेरी बनाई है। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा कोई दोस्त मिलेगा अभी यहाँ पे कहीं पे, बोलेगा भाई आ गया, बट दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। भाई ये है अपना रूम। ASN ने पूछा है डू यू थिंक द रोड ट्रिप इन इंडिया वर्थ विद ऑल द ट्रैफिक एंड बैड रोड्स। तो देखो यार, ट्रैफिक उतना ख़राब नहीं है कि आप दुखी हो जाओ, एंड इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, तो इट्स अबाउट द जर्नी। तो मेरे लिए एक तरीके से मेडिटेशन है, इतना टाइम जब आप रोड पर होते हो तो इवेंचुअली फिर आप वो चीज़ें सोचने लग जाते हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो टाइम अपने साथ बिताना बहुत ज़रूरी होता है, तो मेरे लिए तो ये एब्सोल्युटली वर्थ इट है। यार रात के 1 बज रही है, बारिश हो रही है, तो मैं रूम में तो नहीं बैठ सकता। तेरी यादों की राहों पर मैंने दुनिया मेरी बनाई है। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं वापस आऊंगा, बिन मौसम बारिश हो रही है, सड़कों पे पत्ते पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं है ज़्यादा करने को, और मैं आराम से अपने इंस्टी में कार घुमा रहा हूँ, पुरानी पुरानी यादें ताज़ा होती जा रही है। यार बहुत ही मज़ा आ रहा है। सुबह के 3 बज गए हैं, मैंने 10 चक्कर काट लिए कैंपस के। एनीवे किलोमीटर काउंट की बात करें तो अभी तक टोटल 17,452 किलोमीटर हो गए, जिसमें हम कोलकाता से गंगा सागर गए थे, वहाँ से फिर खड़गपुर भी आ गए, और फिर उसके बाद इतने चक्कर भी मैंने आज कैंपस में काट लिए हैं। और अब हम मिलेंगे कल जिस ब्लॉग में, हम घूमने वाले हैं IIT खड़गपुर, और हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, स्ट्रेच मैग्नेट को भी आप ले सकते हो, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सी यू सून। जब IIT की तैयारी कर रहे थे मैंने पापा से शर्त लगाई थी, पापा देखो IIT में सिलेक्शन हो गया ना तो मेरे को कार चाहिए, मैं कार से कॉलेज जाया करूँगा। फिर यहाँ आए, कार छोड़ो यहाँ बाइक भी अलाउड नहीं है स्टूडेंट्स को, साइकिल पे फिर चलते थे, फिर बाद में तो साइकिल भी बंद कर दी हमने, चप्पलें घिसी है। मेरे दोस्त पैदल चलते थे तो मैं अकेला साइकिल लेके क्या करता। IIT